भाई 10,500 में बात हुई, ये पूरा पाएगा 1,00,000 रुपए का। हिमांशु, अरे अरे, सलमान खान ने मुन्नी का घर बनाया था मिट्टी का, यहाँ पे है वो। सो गाइस फाइनली वी रीच दरगाह। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? तो भाई अभी सभी लोग ना रेडी हो चुके हैं और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं पहलगाम, जिसे स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, मिनी स्विट्जरलैंड। सुबह के 10 बजे हैं और धूप देखो कितनी ज्यादा है, डल लेक का सामने व्यू। फिलहाल कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, पराठे है, दही है, ब्रेड जैम है क्या या बटर ब्रेड है, और चाय, चाय भी है, दूध भी है। ओके नाइस, जल्दी से कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद निकलते हैं। पहलगाम में मतलब फौरन लगेगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल फौरन है भाई, और धूप इतनी ज्यादा है ना यार, बहुत ही ज्यादा धूप है यार, इतनी तो अपने गुड़गांव में भी नहीं है। बहुत यूं नहीं लग रहा है गुड़गांव में, ये है ना। इन भैया ने मेरे को पहचान लिया, भैया मेरा नाम बताओ। हिमांशु, अरे अरे, कौन सी वीडियो अच्छी लगी आपको? कौन सी वीडियो? मैं जानता हूँ आपको फेसबुक के जरिए जानता हूँ, पापा को भी, भैया को भी। अरे अरे बढ़िया, लो भाई साहब ले लो तुम नजारे डल लेक के। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Guys, फिलहाल हमारी गाड़ी बढ़ चुकी है भाई पहलगाम की ओर। और भैया मैंने सुना कि मतलब कश्मीर का सबसे ब्यूटीफुल प्लेस यही है पहलगाम। पहलगाम ही है सच्चे, ये बिल्कुल मतलब। सो भाई बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, देखते हैं। मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं तो मतलब फॉरेन जैसा है, ऐसा लगता है या कोई पॉइंट है? फॉरेन जैसा ही है सर, सारा फॉरन जैसा ही है। वाओ यार, अमेजिंग, मजा आने वाला है भाई। सो भी सभी लोग अपना ब्लॉग देखते हुए, भाई एडिटिंग वगैरह बताया करो यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ यार मैं, कैसी है कैसी नहीं। कीप इट अप भाई, कीप इट अप। है अम्मी? बहुत अच्छी बेटा जी। पापा जी? बढ़िया बढ़िया, बस बढ़िया बढ़िया। नहीं बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमें भी। जब सब लोग सो रहे होते हैं ना, मैं ऐसे आंखें गड़ा के फोन में एडिटिंग अपलोडिंग कर रहा होता हूँ। भाई मेरा भी याद रहता है, मेरा भी दिन भी भाई की दिन भी है, मतलब थकावट है ना, मेरे को ऐसे कह देते हैं कि भाई तू कर देगा, मैं एक बार भी मना नहीं करता। लेकिन अभी तक बहुत रेयरली, हफ्ते में एक बार ही मुश्किल से होता है कि अगर ऐसा मना करे मैंने कि भाई मैं नहीं करता, वो नहीं करा। पर मेरा भी तो बड़प्पन देखना, मैं कर देते थंबनेल वगैरह बना, थंबनेल वगैरह ये बना देता क्योंकि भाई फिर मैं, मेरे को नहाना भी होता है, सर मेरा भी हाथ है भाई, मेरा ही हाथ है भाई, सारा ले, मैंने कुछ नहीं करता भाई। तो गाइस अभी ना पूरा जाम लग गया, ये देखो आगे तक फौजी भाइयों का कारवा निकल रहा है और कह रहे साइड में हो जा, मैं साइड में ही हो जाता हूँ। फौजी भाई कह रहे साइड में हो जा, मैं तो गाड़ी में बैठ जाता हूँ, छोड़ो। तो भाई ये स्टार्ट हो गया फौजी भाइयों का काफिला, ये उस वाले रोड पर है और अभी सबको रोक दिया यहाँ पे। I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. कम से कम ना 30 ट्रक थे फौजी भाइयों के, हमारे सभी फौजी भाइयों को भाई दिल से जय हिंद जय भारत। I strive just to say I'm alright. फिलहाल अभी रास्ते में रुके हैं, यहाँ से ना केसर वगैरह लेंगे, यहाँ पे ना बिल्कुल ओरिजिनल केसर मिलता है भैया बता रहे हैं, और कावा भी पियेंगे साथ में। बे क्या चीज है? कावा, कावा रहा है, इसी में बनता है कावा। And for the first time in a long time I'm all right. तो वही कावा भी, ततैया, ततैया हटा लेना, वाओ जो गर्म होता है। ओके बढ़िया भाई, थैंक्स। फिलहाल पीते हैं बढ़िया सा कावा, टेस्ट करके बताता हूँ कैसा। इसमें काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी काफी चीज है। ओ भाई साहब तो टेस्टी है यार। अभी राहुल भाई के लिए खाने पीने का सामान ले लिया, लेस कुरकुरे भाई, राहुल भाई के लिए तो सबको पता किसके लिए लिया है। मैं तेरे लिए कर रहा हूँ सब कुछ भाई, बस भाई मेरे लिए इतना मत कर तू। सो भाई अभी यहाँ से केसर लेंगे, पूरी ड्राई फ्रूट्स की शॉप है, अखरोट ही अखरोट, ये पूरा पाएगा 1,00,000 रुपए का, बहुत महंगा है भाई। इसका सर जो पहचान करनी है, कहवा पिया आप लोगों ने? पिया, उधर क्यों गए पीने? यहाँ पे मैं यहाँ ही लाने वाला था ना। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पी लिया तो दोबारा। यहाँ पे मैं कॉम्प्लीमेंट्री कहवा देता था। ओके, मैंने सोचा आप इसके पीछे गए शायद वाशरूम, इसमें से जब पहचान करनी है, मैं इसकी बात नहीं करता हूँ, मैं अर्जुन केसर की बात करता हूँ। ये केसर का फूल है सर, इस फूल में सिर्फ 3 पत्ती होता है, ओनली 3 सिटी। इसमें से पहचान करनी है, 1 पत्ती ले लो मुंह में डालना है, आगे वाले दांतों से चबाना है, हल्का सा कड़वापन आना चाहिए। अगर इसमें मीठापन आएगा या लाल के वाले लाल कलर आएगा, वो केमिकल वाला दवाई वाला होगा। चबाने के बाद हल्का सा कड़वापन आने के बाद जो इसमें जूस निकलेगा ना, येलो कलर का निकलेगा, पीला कलर का, खुद केसर लाल ही रहेगा, केसर डिजॉल्व नहीं होगा। ये डिजॉल्व नहीं होगा समझो, 2.5 लाख का केजी, उसी के हिसाब से 2.5 लाख केजी, 2.5 लाख रुपए किलो है, 3 लाख का, 3 लाख का माल है, तीन लाख का सोने से भी महंगा है क्या? आगे वाले दांत से चबा के चबाए, क्या चबाए
जो इसमें जूस निकलेगा ना येलो कलर पीला कलर का आना चाहिए। एक गिलास दूध में, एक गिलास दूध में इतना सही रहना। घर में कोई माँ बहन प्रेगनेंसी में होगा उसको दिया जाए, जो बच्चा आने वाला होगा उसकी मेमोरी एसिड अच्छा आएगा, बच्चा तंदुरुस्त आएगा, बच्चे को कभी हार्ट प्रॉब्लम नहीं आएगा, बच्चा गोरा आएगा। जब बच्चे की माँ तंदुरुस्त होगी तो बच्चा तंदुरुस्त आएगा। केसर में विटामिन सी रहता है। बेनिफिट्स ऑफ सैफ्रन। अभी ना मम्मी के आपने दोनों हाथ देख लिए और अब देखना ये फेस वॉश लगाते ही। ये फेस वॉश है भाई कश्मीरी सैफ्रन एंड हनी। लो भाई अब हाथ देखो मम्मी के लग रहे हैं अलग। देखो पापा को एक तो ये वाला हाथ देखो, पापा जी में तो बहुत ही ज्यादा फर्क आ गया। भैया से ले लिया है अभी सामान बहुत सारा, थैंक्स अलॉट भैया जी। यहाँ पे इंशाल्लाह जो भी चीज मिलेगा ना रीजनेबल मिलेगा, रीजनेबल रेट पे मिलेगा और सही चीज मिलेगा। वो नहीं होगा कि दिखाएंगे एक देंगे, नेवर। जो चीज हम दिखाएंगे वही देते भी। तूफान कैसे हो बेटा, मिस कर रहे हो? तो फिर गुड बाय, गुड बाय। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. So guys, finally पहुंच गए पहलगाम और यहाँ से ना भी पॉइंट्स है, जैसे गुलमर्ग में था वैसे यहाँ पर भी पॉइंट्स है। तो जहाँ पर हमने घूमना है वहाँ पर हम जा सकते हैं। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है और अमरनाथ यात्रा भी यहीं से ही होती है। कश्मीर वैली, डलियान, कानी मार्ग, वाटरफॉल, डिनो वैली, पहलगाम वैली, लियान लेक। और इनके यहाँ पे प्राइस रेट है, ये गवर्नमेंट रेट है भाई। ये भैया कह रहे हैं यहाँ पे ना सिर्फ हॉर्स ट्रैक ही है वहाँ पे, मतलब हॉर्स राइड कर ही कर सकते हैं, गाड़ी से नहीं जा सकते क्योंकि गाड़ी वाला ट्रैक नहीं है। तो भाई यहाँ पे हमें हॉर्स ही करना पड़ेगा। आप चलोगे? This is better than better place. You can go to safe road is there. This is not adventure place. Okay. This is a mud road, big road is there. But this is a top of side. It's called Mini Switzerland. By Saran, Donanavali and Kanimarg. But second road you come back waterfall and Pahalgam only. Bhai sahab, kitni badi English hai bhaiya ki. Yeah, sabse main place. जब ये नहीं देखोगे तो कश्मीर में क्या देखोगे भाई? वहाँ पर लेकर जाओगे वो ऊपर जहाँ बर्फ दिख रही है, बर्फ के नीचे जाना है, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। 1, 2 and 4 सलमान खान ने मुन्नी का घर बनाया था मिट्टी का, यहाँ पे है वो, वही यहाँ पे है सर। मुन्नी का घर यहाँ पे देखेगा, बड़ा जगह अच्छा है, एंजॉय करके लाएगा, गोरा चार हटा कटा देगा तो लेके जाएगा। फिलहाल आ गई है बढ़िया सी चाय और भाई यहाँ पे ना गाड़ी वगैरह नहीं जाती ऊपर, सिर्फ हॉर्स ही जाते हैं। तो मम्मी तो नहीं जा रही, मैं पापा और हिमांशु जाएंगे शायद। आगे भी सामने रिवर का नज़ारा। आप लोग ना बहुत सारे कमेंट्स कर रहे थे कि राहुल भाई आप ना पहले बहुत ज्ञान बांट रहे थे कि यार घोड़े पर नहीं जाना चाहिए, घोड़े मर जाते हैं। तो भाई मैं उसका एक बार बता देता हूँ। हाँ भाई, मैंने बोला था कि घोड़े पर नहीं जाना चाहिए, केदारनाथ यात्रा में बहुत सारे घोड़े मर गए थे। देखो भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि घोड़ों का यूज ही ना मतलब राइड के लिए किया जाता है और यहाँ पे तो हर जगह ही घोड़े घोड़े हैं और सब लोग घोड़े पर ही घूम रहे हैं। तो ना घोड़ा अच्छा होना चाहिए, बीमार घोड़ा ना हो, ऐसा घोड़ा ना हो जिसको चोट लगी हो, जो थका हो। लोग क्या करते हैं, पैसे बनाने के चक्कर में घोड़े को 3-4 चक्कर कटवा देते हैं, तो वो घोड़ा तो फिर मरेगा ही। और फिर यहाँ पर तो भाई और कोई ऑप्शन भी नहीं है, घोड़े पर ही जाना पड़ेगा। आई होप भाई आप ये बात समझोगे। और बाकी यार मैं भी ऐसा नहीं हूँ कि यार घोड़ों को दुख पहुंचाऊं, मेरे ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, आप सभी को भी पता है। और भाई जिसको बुरा लगा उसके लिए सॉरी है, पर घोड़े पर ही जाना पड़ेगा भाई। फिलहाल चाय का एंजॉय कर रहे हैं फिर निकलते हैं। फिलहाल ना मम्मी जी तो यहीं पे रह रही है, चल पड़ो ना भाई, डर लगता है, तुम लोग एंजॉय कर रही हो। मम्मी को भाई घोड़े से ना बहुत डर लगता है। चलो ठीक है, आप फिर गाड़ी में एंजॉय करने के लिए आई हो, बताओ इतनी दूर आई हो और श्रीनगर में, सॉरी कहाँ पे है आपा? पहलगाम, पहलगाम में। और मम्मी गाड़ी में मजे लेगी। 5 मिनट ट्राई करो, 5 मिनट भाई मम्मी गिर जाएगी, लेनी कर लेगी फिर मम्मी आपकी। ओके मम्मी फिर बाय, वो नोट गिन रहे हो, बाय बाय, सी यू। सो भाई ये हमारे हॉर्सेस आ गए हैं। भैया इनमें से कोई बीमार तो नहीं है ना? बढ़िया, ताकतवर घोड़े है ना? Are you ready? Ready brother. और डैडी भी रेडी है, चलो और मैं भी रेडी हूँ। चलो गाइस अभी घुमाते हैं आपको पहलगा। गाइस ये देखो रास्ता, ओ भाई साहब पत्थरी पत्थर, ओ भाई साहब ध्यान से भाई, बिल्कुल ऑफ रोड भाई, इसलिए यहाँ पे भाई गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं जा सकती, तो घोड़ों पे ही आना पड़ता है। मुश्किल से तो कमर का दर्द ठीक हुआ था, आज घोड़े पे बिठा के फिर कल दर्द होएगा मेरे पक्का। भाई जी देखो इस साइड खाई, इस साइड घोड़े, ओ माय गॉड क्या रास्ता है भाई, आराम से घोड़ू। ओ भाई साहब ब्यूटीफुल व्यू।
We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. क्या बोलते हैं? बोलती बंद रास्ता। ये बोलती बंद रास्ता है भाई, भैया कह रहे हैं। और भाई एक साइड खाई, बहुत ज्यादा डर लग रहा है यार, बहुत ही ज्यादा। और भाई घोड़े की तो बहुत ही ज्यादा हिम्मत है यार, ये कैसे चल रहा है? इससे भी खतरनाक है भाई, ऐसे मत करो यार। मेरे घोड़े को पीछे रखो, आपका घोड़ा पीछे ही रहता है ना सर, नहीं जाएगा आपका घोड़ा आगे, नहीं निकलता, पैर फिसल गया तो जाएगा ही, इसका पैर नहीं फिसलता, इसको ना लगा होता है ना। पहली बार डर लग रहा है मुझे बैठते हुए भाई ऐसे कुछ एडवेंचर में, वरना भाई मुझे कभी डर नहीं लगा। ये पहली बार मेरे को इतना डर लग रहा है जिंदगी में, बहुत डर लग रहा है यार। यहाँ पे तो जिंदगी मौत से खेल रहे हैं, लगा लो। सामने से भी आ गए भाई। पापा जी कैसे लग रहे हैं? भाई बहुत खराब लग रहा है, रास्ते भयंकर है। तो सो गाइस फाइनली कुछ आया तो है यहाँ पे, पॉइंट सा एक, बहुत देर के बाद, बहुत खड़ी चढ़ाई के बाद। देखना किल तो कितनी ऑफ रोडिंग है। कौन सी जगह है भाई? मिनी स्विट्जरलैंड भाई सर। ये मिनी स्विट्जरलैंड आ गया भाई। इधर देखो सब जगह घोड़े घोड़े, हॉर्स वैली, और यहाँ पर है मिनी स्विट्जरलैंड। ये अभी मैं बताऊंगा आपको कि स्विट्जरलैंड है भी या फिर ऐसे बस नेम नेम है। सो गाइस फाइनली आपको मिनी स्विट्जरलैंड दिखा देता हूँ बेलगांव का, और भाई आप ही देख के बताना कि स्विट्जरलैंड लग रहा है फिर नहीं। भाई मेरे को तो जाने की टेंशन हो रही है भाई, मेरे को तेरे से ज्यादा। भाई जब खाई आएगी मैं तो उतर जाऊंगा। हैं उतरेंगे जब खाई आएगी? खाई सही तो जा रहे हैं घोड़े, सबके ही जा रहे हैं। फिर भी भाई जा रही है, वो बता रहा हूं बोला खाई में भी गिरे हुए हैं बंदे। तो भाई हमारी मैगी आ गई है, और देखो बात हिमांशु मैगी नहीं खा रहा है भाई। क्यों यार? छोड़ दी भाई, भाई मेरे को आदत लगा के छोड़ दी। ये पता क्यों नहीं खा रहा? मुझे पता है, ये ना पूरा ड्रॉ पड़ा है। आज पहली बार इतना डरा हुआ देख रहा हूं, ये बार बार कह रहा भाई इन दिन नीचे जाते हो क्या होगा। टेंशन मत ले भाई, मैं कह रहा हूं भोले बाबा करेंगे जो करेंगे भाई। सो गाइस यहां पे देखो ये बकरी ना अकेली घूम रही है, इसके पास कोई भी नहीं है। देखना हम जैसे इसके पास जाएंगे ना कोई जरूर आ जाएगा। कोई नहीं आया अभी तक तो। भाई भाग गई। Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain. ये वाली बकरी देखो, बिल्कुल नाजुक बकरी है। इसको जैसे कर लोगे वैसे ही हो जाती है। पारी कर रही है के। And it's just you been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. भाई उतरते हुए का रास्ता और भी ज़्यादा खतरनाक है भाई, मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा, इतना ज़्यादा खतरनाक है। बिल्कुल नीचे ढलान, समझो ऊपर कैसे चढ़े थे हम, और अब नीचे ऐसे ही जाना है। सो भाई ये पानी ना सीधा अमरनाथ से आ रहे हैं, भैया बता रहे हैं शेषनाग से वाटरफॉल है ये पानी, पर बहुत कम है अभी यहाँ पे, तो फिर जय बोलेगी। भाई पूरा पड़ाव तय हो गया, बस ये रह गया। ओ नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं। ये देखो भाई रास्ता, पापा का घोड़ा सबसे आगे। गाइस फाइनली आ गए प्लेन रोड। ओ भाई साहब जान में जाना ही। 15,000 में बात हुई थी क्या? मेरी 15,000 में पूरी बात हुई है भाई। नहीं भाई नहीं हुई, नहीं 15,500 में। भाई 10,500 में बात हुई है, लेकिन हम इतने थके हैं 15,000 बराबर। थकते हो सारे? थकते वाली क्या बात है भाई, हमारे तो दुगने लग गए, एंजॉय किया सब। नहीं भाई हमारे तो हाथ भी दुगने लग गए भाई, 20,000 मांग ले जितने में, जितने में तो आप 20 बोलोगे ना ना ना। बात कितने में भाई? देख जितने में बात हुई उतने बनेंगे यार। नहीं 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 इससे बात तो कोई 15,000 में बराबर नहीं भाई, नहीं ये तो कोई बात नहीं है। आपको देना पड़ेगा 20,000 दे दे, हाँ 20,000 दे दो।
ऐसे तो ना बात होती है, हम आपसे खोल के लेंगे ना 10,500 15,000 बराबर देना है आपको साहब। आपने बोला तो नहीं पहले 15,000 भाई आप 10 चाहिए आपको 10,500 अच्छा अब भाई दे नहीं रहे हम घोड़ा ही साथ में वहीं पर चला लेकर तेरे घोड़े देना पड़ेगा। नहीं नहीं भाई इतने में हमारी बात होगी ले 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 15,000 देना पड़ेगा नहीं तो ये तो कोई बात नहीं होती है भाई। हाँ सही बात है क्यों क्या बात होगी वही देना है आपको देना पड़ेगा ऐसे कुछ भाई समझाओ इसको ये तो गलत कर रहा है। नहीं नहीं 15,000 नहीं 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 वीडियो बंद करो आप वीडियो बंद करो भाई क्यों 15,000 देना पड़ेगा हमारा मेहनत लगा है वीडियो बन रही है भाई तेरी कॉल 15,000 रुपए में हुई थी। हां 15,000 में 15,000 रुपए में बोला था 10,500 में कॉल हुई थी भाई देना पड़ेगा नहीं नहीं बोला गया भाई कितने में हुई थी कॉल 1,00,000 इसको क्या 10,500 में नहीं हुई नहीं थे ना सर क्यों नहीं थे कहां थे सर तो साथ में तो थे आप भी वीडियो बननी थी भाई सारी बात करते हैं उससे बात हम उससे बनने से बात कर लेंगे भैया लेकिन 15,000 देना पड़ेगा चलो फिर हम चलते हैं। अच्छा कोई बात नहीं आपको लगेगा कितने में बात हुई कितने में बात देख 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 10,500 में बात हुई है भाई चलो दे दो इतना ही इधर क्यों अब 15 ही देंगे आप नहीं दे रहे आप क्या करो बुला लो कितने में बात हुई हम उससे कम तो नहीं बोलेंगे आपको चलो हमने ये नहीं कहा कि 5,000 ले ले 8,000 हमारी इनसे बात हुई थी 10,500 रुपए में ठीक है ये बोले अगर आपको बहुत ज्यादा मजा आए ना तो हमें आप 11 दे देना वरना 10,500 में पूरी फिक्स हुई थी। ऊपर ही मतलब ऐसे कह रहा था कि भैया इतने हो गए 13,000 हो गए इन्होंने क्या किया ना ऊपर इन्होंने यहाँ जब पहुंचने वाले थे रास्ते में रोक लिया और वहाँ पे कहते कि लाओ जी टिप दे दो वहाँ पे रोक के हम कहते चलो चलो वहीं पे देंगे यूं कहते नहीं नहीं वहाँ पे तो ना मालिक लेने नहीं देगा हम कहते नहीं नहीं हम तो वहीं पे देंगे पापा जी बोले ना और क्या और उसके बाद फिर यूं कहते यहाँ पे आने के बाद कह रहे नहीं नहीं 15,000 हो गया आपका 15,000 रुपए में बात हुई थी और 10,500 में बात हुई है तो उतने ही देंगे ना भाई अब 15,000 रुपए सीधे देखो 5,000 रुपए बढ़ा दिए तो स्टार्ट पहले ही ना यहाँ पे इनसे चल लो बहस कर लो कुछ भी कर लो पहले ही खोल कर चलो अच्छे से कि इतने में बात हुई है तो इतने ही देंगे उससे एक्स्ट्रा नहीं देंगे भाई ये स्कैम हो रहा है बहुत ज्यादा इस साइड तो बच के रहा करो। बढ़िया रहा मम्मी आप नहीं गए वरना आप सबको वापस ले आते बेटा मैं तो पहले मेरे तो बस की नहीं है साहब जी मैं तो उस दिन भी गुलमर्ग भी नहीं गई हम इधर से जा रहे थे ना तब वो मम्मी के साथ धक्का कर रहा हूँ नहीं नहीं जी आप जाओ मैं कह रहा हूँ ना आप जाओ और वहाँ पे आप लोगों ने रास्ता देखा और कहते कि प्लेन रोड है मतलब कि झूठ बोल कर लेकर जाते हैं तो रिस्क की बात होती है गिर जाए कुछ हो जाए तो भाई रिस्क तो है ही देखो इस चीज में पर वैसे हाँ लोग तो बहुत सारे जा रहे थे आपने देखा ही पर फिर भी यार कुछ हो जाए तो और मम्मी को ऐसे धक्के से लेकर जाना तो भाई बिल्कुल भी ठीक नहीं था ऐसे जैसे वो धक्का कर रहे थे कि नहीं नहीं लेकर जाओ लेकिन हाँ राइड वगैरह हमारी सही रही बढ़िया रहा सेफली अपना वापस पहुंच गए हैं फिलहाल निकलते हैं वापस अपना श्रीनगर के लिए। सो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं दरगाह पे जहाँ पर भरदोजोली गाना आपने सुना होगा बजरंगी भाईजान में उनकी शूटिंग हुई थी तो वहीं पर ही जा रहे हैं। भीड़ भाई बहुत ही ज्यादा है इधर देखो। ओ भाई साहब भैया क्या है छोला भटूरा क्या ये भटूरा है पराठा है ये और इसको ना यूं कह रहे हैं हलवे के साथ खाते हैं हलवे के साथ पराठा। भाई यहाँ से ये है दरगाह का रास्ता और देखो ये सीढ़ियों का रास्ता है पहले तकरीबन 150 सीढ़ियां हैं। Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. So guys, finally we reached Dargah. कहाँ पर जाना है? So भैया हमने यहाँ पे shoes उतार दिए हैं और अब चलते हैं अंदर. भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं न जाऊंगा खाली भर दो झोली मेरी भाई वो यहीं पे तो होता था बेसबर बे भर दो झोली वाला गाना यहीं पर हुआ था यहीं पर ही बैठे थे उस टाइम सेटअप लगाते ना मूवी के टाइम। भाई दरगाह के ऊपर से देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं भाई हम अंदर तो अभी जा नहीं पाएंगे क्योंकि भीड़ बहुत ही ज्यादा है 2.5 घंटे लग जाएंगे और मम्मी नीचे गाड़ी में बैठी मम्मी नहीं आई यहाँ 6:30 बज गए। सो भाई ये जगह वही है जहाँ पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी रिपोर्टर का बजरंगी भाईजान में एक सीन था
आप लोगों को अगर याद हो तो गाइस अभी दरगाह पर हमारे बहुत ही स्वीट सी सब्सक्राइबर मिले हैं, ये रहे बहुत सारे भाई, इसका फ्रेंड है फरमान अली और इस भाई, ये भाई कह रहे थे मैंने आपके पास मैसेज किया था और देखो भाई किस्मत हम दरगाह पर ही मिल गए। क्या बात है, तूफान पे भी किया था मैंने। ओके तूफान पर भी किया था, चलो भाई मिल गए, बहुत अच्छा लगा भाई, थैंक यू। फोटो तो था गाइस, फाइनली पहुंच गए अपने होटल पर और रूम की हालत देख लो भाई, पूरा रूम बिखरा हुआ है। अभी जल्दी से चेंज करता हूं, उसके बाद डिनर करेंगे। और मैंने इंस्टा स्टोरी डाली थी भाई दरगाह वाली, तो काफी लोग पूछ रहे थे कि भाई कौन सी दरगाह, तो वो ना मुकाम दरगाह है, पहलगांव के रास्ते में ही आती है। काफी अच्छा लगा भाई वहां पर जाकर भी। देखो भाई भगवान ना एक होता है सबका, भाई इसमें कोई डिफरेंस नहीं करना चाहिए। सुबह सुबह के 2:30 बज गए हैं अभी, बस ये पूरा व्लॉग एडिट हुआ है। आई होप भाई आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, चैनल पर पहले और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, मस्त रहे, व्यस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय बोलना, बाय बाय।